ये है, इसको बोलते हैं फूलों की झालर। एक ये ब्लू कलर की है, एक ये रेड कलर की है। ठीक, देख रहे हो, इसको ऐसे बेंड हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, एंड उसके बाद आप इसके ऊपर ही हम कपड़ा मतलब इसमें ऐसे अटैच कर रहे हैं। ये पूरा रेडी किया था क्योंकि जब पंडाल पूरा अच्छे से डेकोरेट। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू ब्लॉग चैनल अगेन। मेरा नाम है परमदीप सिंह एंड आप सभी देख रहे हो परम ऑन व्हील्स। और आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल 2023 आ गया है। एंड इस वीडियो में डेकोरेशन वगैरह शुरू कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ मिलकर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं ना किस तरीके से डेकोरेशन की मतलब प्लानिंग करी हुई इस साल की। दिखाता हूँ, देखो। तो भाई ये रूम है जहाँ पे हम गणपति जी को लेके आएंगे, गणपति जी की मूर्ति रखेंगे। यहाँ से एंट्रेंस है रूम की, ठीक है जी। ये देखिए डेकोरेशन का सामान अभी यहाँ पे सारा रखा हुआ है, अभी आपके सामने ही सब कुछ तैयारी करी जाएंगी। यह अभी ये भी चीज़ें हैं, सब कुछ है इधर। एंड ये बेसिकली टेबल है, इसको हम वहाँ पे शिफ्ट करेंगे और वहाँ पे पूरा इसको सेट करेंगे, सजाएंगे अच्छे से, पंडाल भी लगाएंगे। पंडाल के लिए ये है, वो बताऊंगा कैसे सब कुछ होगा, आपके सामने सारी चीज़ें होंगी। और ये जो सामान, ये सोफे वगैरह, ये सब हम हटा देंगे बाद में। तो हाँ जी भाई, तो चलिए शुरू करते हैं लेके गणपति बप्पा का नाम। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में गणपति बप्पा मोरया लिख दो। हाँ जी, तो सबसे पहले शुरू करने से पहले गंगा जल थोड़ा सा हम घर छिड़क देते हैं, है ना, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। ओके, हाँ जी भाई, सो टेबल अपनी रेडी हो गई है और वहाँ पे मतलब पूरा गंगा जल वगैरह लगा के फिर वो कपड़ा वगैरह कर दिया है। अब मेन जो डेकोरेशन का चीज़ है ना, वो पंडाल बनाना, वो ये देखो पाइप्स हैं ये हमारे पास। एंड ये टेबल की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने कट करे हुए, ये प्लास्टिक की पीवीसी पाइप्स आते हैं, ईजीली मिल जाते हैं। एंड ये लास्ट ईयर की मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये, इससे अब देखो पंडाल कैसे बनाएंगे। एंड इसमें ये अब लेके आए थे मार्केट से, जिसमें कि मतलब इसमें ऐसे अटैच हो जाएगा ना, तो पूरा स्टैंड बन जाएगा। अभी देखना ऐसा करके दिख रहा है ना आपको, ये चीज़ ये नीचे होल इसमें एक्स्ट्रा था नहीं तो हमने अलग से किया है, मतलब इसमें बाकी तीन होल तो होते हैं इसके अंदर, ऐसे करके ये बन जाएगा। सो भाई ये देखो, पहले तो जो पाइप्स है ना, इसके ऊपर ही हम कपड़ा मतलब इसमें ऐसे अटैच कर रहे हैं। ये पूरा रेडी किया था क्योंकि जब पंडाल पूरा अच्छे से डेकोरेटेड अच्छा लगेगा ना, उस चीज़ के लिए। तो ये देखो ऐसे करके इसमें पूरा मतलब ऐसे करना पड़ेगा, बट ये है कि ये चीज़ जब कम्प्लीट हो जाएगी ना तो बहुत सुंदर लगेगा, नो डाउट। तो ये इधर आ जाएगा ना सारा का सारा इकट्ठे होके, और पीछे भी लगाना पड़ेगा फिर। सो भाई ये देख लो, मंडप का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। एंड इसमें आपको बता देता हूँ कि भाई बहुत ही माइनर चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा है। देखो जैसे कि यहाँ पे अपने को जो डब्बी, ये तो इजीली मिल जाती है आपको, पीवीसी पाइप की डब्बी होती है, इसमें जैसे हमने हुक के अंदर पाइप लगाया ना, तो इसमें एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए टेप हमने ऐड करी हुई है इसमें, ठीक है। बाकी ये जो अभी दिख रहा है, ये अभी हम कवर करेंगे फूल की माला से, वो पूरा कवर हो जाएगा जितने भी चीज़ दिख रही है। एंड यहाँ पे अपने गणपति जी आएंगे, और ये नीचे आगे इसको बेस के लिए गमले हैं छोटे, जिससे कि हिले ना। एंड यहाँ पे ये एक गोल्डन कलर की है, इसमें लगा दिए जिससे कि और अच्छा डिज़ाइन अपने को मिल जाए इधर भी एंड इधर भी। तो एक पर्दे टाइप जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था ना कि इसके अंदर हमने ऐड किया था, तो ऐसे था। एंड आप देखो साइड में भी आपको दिखा देता हूँ कि साइड में भी है, इसको भी सेट करेंगे। जो ये पीछे का आपको दिख रहा है ना पाइप, ये भी अभी कवर होगा, इसमें डेकोरेशन का लगेगा अभी। तो ये है बेसिकली बेस मेन स्ट्रक्चर आपके सामने, देखो जरा। ये अपने पास ये भी है, ये अभी हम इसमें लाइटिंग्स वगैरह लगा के पीछे रखेंगे, ऐड करेंगे। अभी तो देखते जाओ, जब पूरा फाइनल निकल के आएगा ना आउटपुट, भाई बहुत सुंदर लगेगा कसम से। थोड़ा बस ध्यान से करनी पड़ती है क्योंकि ये थोड़ी नाजुक सी चीज़ें होती है, लेकिन ठीक है, मेहनत चलती है अपनी इतनी, तो गणपति बप्पा के लिए सब कुछ चलता है। क्या हो गया? हाँ जी, तो देखो पहला लुक है, अभी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, बस आपको दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप वाइज दिखा रहा हूँ। जैसे जैसे हम एक एक स्टेप कर रहे हैं ना, तो ये जो फूलों की झालर थी अपनी, ये लग गई है। इसमें हमने क्या किया है, ये लाइटिंग हमने ऐड करी है इसमें फिक्स कर करके, जिससे कि और अच्छा लुक आए। एंड इसके बैक साइड में ये आप देख रहे हो सिल्वर कलर की, ये एक सेकेंड, ये जो आप देख रहे हो सिल्वर कलर की, ये बर्थडे डेकोरेशन के लिए होती है, बेकरी से मिल जाती है आराम से, ठीक है। यहाँ पर ये आप देखो ज़रा, ये तो ये कुछ ऐसा लुक निकल के आया है अभी। अभी यहाँ पे फूल लगेंगे और लाइटिंग्स ऐड होंगी,
तो वो करते हैं, फिर फाइनल आपको लुक दिखाएंगे कितना प्यारा आएगा अपना। यहाँ पे लग रही है, अभी यहाँ पे भी एक माला लटकाएंगे, इधर भी। एंड ये चीज़ देखो, ये है ना सबसे मेन चीज़, कितना प्यारा लग रहा है। ये है, इसको बोलते हैं फूलों की झालर। एक ये ब्लू कलर की है, एक ये रेड कलर की है। ये एक एक करके बस अलग करनी पड़ रही है। ये अभी देखो जैसे ऊपर लगाई है ना हमने, पूरा भर देंगे अभी ऊपर से, तो कुछ अलग ही लुक निकल के आएगा। ये बड़ा टफ चीज़ है भाई, इनको अलग करना ना ऐसे। ये देखो सारे अलग पड़े ना, तो ये देखो जैसे ये एक सिंगल अलग हो गया, ये रेड कलर वाला मैंने वैसे अभी अलग करा है ना, तो गुच्छे में से अलग हो गया। अब ये ऊपर ना स्ट्रिक दिख रहे हो ना आपके, हाँ यहाँ पे जो स्ट्रिक दिख रहे हो, इसको ऐसे बैंड हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। एंड उसके बाद आप इसको किसी भी उसमें ऐसे अटका के डेकोरेशन के लिए बढ़िया आइडिया है। हाँ जी गाइस, सो फाइनली फाइनली अपना काम पूरा हो गया है, डेकोरेशन फाइनली ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, 90% पूरी हो चुकी है। तो ये देखो भाई, ये है कुछ नज़ारा, जो मंडप जो हमने पंडाल पूरा छोटा सा अपना सजाया है क्यूट सा गणपति बप्पा के लिए, यहाँ पे देखो देखो ज़रा अच्छे से दिखाता हूँ आप सभी को मैं भाई। ये स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो हमने पंडाल बनाया है ये पूरा PVC पाइप का स्ट्रक्चर है इसके अंदर। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि पाइप पूरे ढक जाएंगे, ये हमने फूलों की माला यहाँ पर लगा दी है। यहाँ पे कपड़ा पिंक कलर का ऐसे बांध दिया है, गोल्डन वाली इसमें रस्सी में अपने पास थी ये, ठीक है जी। एंड यहाँ पे हमने एक छोटू सा ये पौधा रख दिया है, ठीक है, इधर भी इधर भी। एंड ये येलो कलर की फूल की माला इधर से लटका दी है, तो पाइप वगैरह कुछ नहीं दिख रहे। एंड ये देखो ज़रा, ये कुछ चीज़ है जो हमने छत में ऊपर डेकोरेशन के लिए लटकाई है, जो फूलों की झालर थी वो बेसिकली पहले पर्दों के पीछे थी, लेकिन हमने सोचा कि यार ऊपर लटकाते हैं तो ऊपर ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो ऐसा इस साइड भी लाइटिंग्स वगैरह भी हो गई हैं, एंड वो अपने राधे कृष्णा कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये लाइटिंग्स है ऊपर ऐसा है, इधर पूरे कमरे में लाइटिंग्स है, एंड सामने बैकग्राउंड में मतलब पीछे दीवार पे ऐसा ये देख सकते हैं। और फाइनल लुक कुछ ऐसा आया है भाई, आप सबके सामने है। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, लाइट्स बंद करने के बाद कितना सुंदर लगता है। ये अब देखो ज़रा, लाइट्स बंद करने के बाद कुछ ऐसा लुक आ रहा है भाई, देखिए। एंड अगर मैं एक ब्लू कलर की लाइटिंग है वो जला देता हूँ ऊपर, तो कुछ ऐसा मतलब इसमें अंडर लाइट्स ही है अपने पास, ऑलरेडी पहले से लगी हुई थी, तो इसमें कुछ ऐसा लुक आ रहा है। तो बताना ज़रूर कैसा लगा भाई, बहुत मेहनत लगी है कसम से, और दिल से प्यार से पूरी आस्था के साथ ये बनाया हमने। हाँ जी गाइस, सो फाइनली ये कुछ आउटपुट निकल के आया है, होप करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी डेकोरेशन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड यार एक चीज़ हो रहा है कि अभी ना बहुत सारी चीज़ें रहती है इसमें, जैसे कि बैलून्स वगैरह लगाने हैं, बैलून्स हम अभी नहीं लगा रहे क्योंकि अभी 2 दिन बचे हैं गणपति आगमन में, एक दिन पहले रात को हम लोग लगाएंगे बैलून्स वगैरह, वो डेकोरेशन है अभी। बाकी जब गणपति जी की मूर्ति लेके आएंगे तो ये तो चलो डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स वगैरह हैं, तो ओरिजिनल फूलों की माला लेके आएंगे उससे भी डेकोरेट करेंगे अभी। तो मेन जो को था ना स्ट्रक्चर पंडाल का, वो सजाना था आज, आप सबको भी दिखाना था। तो ये है, बताना ज़रूर कैसा लगा, एंड अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में, इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड यार एक चीज़ और, कि अगर आप लोगों को लगा ना कि भाई इसमें और भी कुछ हम ऐड ऑन कर सकते थे, आपको अगर कुछ सजेशन भी देना तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो, बिंदास कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई दिल खुश है इस टाइम, क्योंकि ये फेस्टिवल ऐसा है जिसका सारा साल वेट रहता है, मोस्ट अवेटेड फेस्टिवल ऑफ द ईयर, मतलब मुझे तो बहुत 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 वेट रहता है इस फेस्टिवल का पूरे साल। एंड अगली वीडियो में मिलेंगे गणपति आगमन के साथ, गणपति जी को लेने जाएंगे धूमधाम से, बहुत सारी तैयारी करी हुई है कि गणपति जी को कैसे लेके आएंगे, कैसे मूर्ति रखेंगे, सब सब कुछ, बहुत कुछ होने वाला धमाल पूरी धूमधाम से, तो वीडियो मिस मत करना नेक्स्ट वाली। इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में गणपति आगमन के साथ। और कमेंट सेक्शन में अभी तक गणपति बप्पा मोरया नहीं लिखा तो लिख दो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, गणपति बप्पा मोरया।